सलमान खान को टक्कर दे रहे हैं रजनीकांत। हेलो दोस्तों, पॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूं सानिया सैफी। दोस्तों 2.0 और पेट्टा की रिलीज के बाद से ही सुपरस्टार रजनीकांत के फैंस उनकी अगली फिल्म का इंतजार कर रहे थे। रजनीकांत अब A.R. मुरुगदास की फिल्म दरबार में नजर आएंगे। कुछ वक्त पहले इस फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज किया गया था, जिसमें रजनीकांत अपने ही अलग स्वैग में नजर आए। लेकिन अब इस फिल्म से रजनीकांत का कॉप लुक सामने आया है। इस लुक को इंस्टाग्राम पर एक यूजर ने शेयर किया है। शेयर की गई इस फोटो में रजनीकांत पुलिस की वर्दी में अपने ट्रेडमार्क स्टाइल में नजर आ रहे हैं। इस फिल्म के लिए रजनीकांत करीब 25 साल बाद पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आएंगे। रजनीकांत का ये कॉप अवतार सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। इस लुक में वो दबंग वाले चुलबुल पांडे यानी कि सलमान खान को पूरी टक्कर देते हुए लग रहे हैं। बता दें कि दरबार एक तमिल फिल्म है, जिसमें रजनीकांत के ऑपोजिट साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस नयनतारा नजर आएंगी। साथ ही फिल्म में प्रतीक बब्बर, नवाब शाह और सुनील शेट्टी भी खास किरदारों में नजर आएंगे। दरबार अगले 15 जनवरी 2020 को रिलीज हो रही है। दोस्तों इस फिल्म से जुड़ी और दिलचस्प बातें जानने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राड स्टूडियो से। मैं हूं सानिया सैफी, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक प्यार बांटते रहिए।